जैसे हम लेके चलते हैं अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए, फॉरेस्ट एक्ट राइट एक्ट के लिए इन्होंने बोला था कि जैसे ही 370 एब्रोगेट होता है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या कह सकते हैं कि मतलब अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट की ये एंटी ट्राइबल पॉलिसीज ही हैं जो हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट देने से अभी तक भी वो कतरा रहे हैं, अभी तक भी वैसा उनको कोई गैजेट नहीं आया है। जो मोदी जी के जुमले हैं उनमें हमें बेनिफिट मिल रहा है, फिलहाल तक अभी तक ग्राउंड के ऊपर 0% भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके देख लीजिए या फिर रिजर्वेशन प्रमोशन को लेके देख लीजिए, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। या फिर इनका जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाला मुद्दा था उसमें भी अभी तक इनकी कोई बात नहीं हुई और ना ही ऐसा लग रहा है कि कोई भी बात होने वाली है। पहले तो एक स्टेट का जब स्पेशल स्टेटस होता है तो उसको बहुत बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन अब जब वो स्पेशल स्टेटस नहीं रहा है तो उसके बाद भी बीजेपी ने बहुत सारे ये बोले थे कि जुमले बोले थे कि हम गुजर बकरवाल्स को ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा, इनका एजुकेशन बढ़ेगा, इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलेगा। लेकिन जो उनका डॉक्यूमेंट आया था 5 अगस्त को के बाद जो ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल, उसमें सब जो भी यहाँ पे जो क्या लागू होगा क्या नहीं होगा उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं है। मैंने 3-4 बार देखा है, सर्च करके भी देखा है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में मुझे ये कहीं नहीं मिला। जैसे ही 370 टूटता है ऐसे ही हवा फैलता है, मेन स्ट्रीम मीडिया होती है या जो भी होती है उसमें ये सब होते हैं कि कुछ 2-4 लोग जो होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है जिनका ग्राउंड से कोई कनेक्ट नहीं है, डिसकनेक्ट है वो ग्राउंड से बिल्कुल भी, ग्राउंड की रियलिटी से एक आम आदमी क्या फील कर रहा है, एक आम आदमी जो गुजर कम्युनिटी का वो क्या फील कर रहा है उनसे उसको कुछ लेना देना नहीं। 2-4 लोग रिप्रेजेंटेटिव बना के चाहे वो नेशनल मीडिया में या और हर जगह पे जैसे आर्टिकल्स वगैरह या जो भी छपते हैं वो उन लोगों के ही छपते हैं और उन लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है सारी जगह पे। लेकिन जबकि हकीकत ये थी कि मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी जो थी कम्युनिटी में वो ये फील कर रही थी कि ये बिट्रेयल है, ये हमारे साथ गलत हुआ है, हम इसके हक में बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो पॉलिटिक्स है, डिवीज़न की पॉलिटिक्स है, वो सब इनने इसीलिए किया था क्योंकि गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है इन द स्टेट, पॉलिटिकली भी उनकी सिग्निफिकेंस 23 सीट्स पे है अभी की जो सीट्स है कंस्टिट्यूंसी से। इसलिए इन्होंने क्या किया, जैसे कश्मीरी कम्युनिटी और गुजर कम्युनिटी में एक डिवीज़न होगी तो ऑटोमेटिकली इनमें रिफ्ट पैदा होगा, तो उसका फ़ायदा ऑब्वियस है कि यहीं पे मिलेगा। यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो गुजर बकरवाल से, वो ज़्यादातर नोमैड और पेस्ट्रोल हैं। एक कॉन्क्रीट पॉलिसी अपनाई जाए, जो उनके फॉरेस्ट लैंड राइट्स हैं वो दिए जाएं, तो वो बहुत देर से एक मुद्दा चल रहा है और अब के उनको थोड़ा सा उनका अंदेशा है कि ये शायद ये जो सरकार है बीजेपी की वो शायद इनको ना पूरे करें, एक खौफ के माहौल में वो भी रह रहे हैं। और बाकी मुस्लिम जो एथनिक ग्रुप्स हैं डोडा रीजन के हैं या रजौरी पुंछ के हैं, उनमें भी एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। एक हाल ही में पहाड़ी स्टेटस तो दिया है पहाड़ी लोगों के लिए, लेकिन उससे क्या उनको फ़ायदा होने वाला है, उनका थोड़ा सा जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग रजौरी पुंछ के, उनका थोड़ा सा ये भी एक डर है कि ये जो भी कदम उठाए गए हैं इससे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंटेशन बढ़ती है और बॉर्डर के इलाके जो है वहाँ पे एक तनाव बना रहता है, और जो कि बना रहा है पिछले कुछ महीनों में, अब वो बढ़ता जा रहा है, और इन सब चीज़ों से उनके माइंड्स में ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। तो अभी सिचुएशन जो है बहुत अनसर्टेन है, लोग देख रहे हैं, लोग एक एंक्शियसली देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं आगे क्या होगा। उसके लिए सबसे बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ, जैसे हमारी जो कम्युनिटी का लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं वो जो आगे आए हुए हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ़ द टाइम इनको एक्सप्लॉइट ही किया जाता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से। और जिस दिन से बीजेपी आई है तो इनने तो प्रोपागेंडा के थ्रू ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है।